अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं लेकर आई हूँ स्पाइसी आलू चावल की रेसिपी। चलें शुरू करते हैं। पहले मैं ले रही हूँ आधा कप ऑयल। ऑयल को हीट अप होने दूंगी। ऑयल हीट अप हो गया, अब मैं ऐड करूँगी एक लार्ज कटा हुआ ऑनियन। ऑनियन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ऑनियन को मैं अच्छे से फ्राई होने दूंगी डार्क ब्राउन। ऑनियन फ्राई हो चुका है। मैंने बस इतना ही फ्राई करना था। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी कलर निकालने के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं ऐड कर रही हूँ 4 कटे हुए टमाटर और 2 हरी मिर्च कटी हुई। अब मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून दफर मिर्च और 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून सूखा हुआ धनिया। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसे कुक होने दूंगी 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। मसाला कुक हो चुका है। अब मैं ऐड कर रही हूँ 10 आलू और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं एक लेमन स्क्वीज कर लूंगी। लेमन स्क्वीज करने के बाद मैं इसे लो फ्लेम पर कुक होने दूंगी लिड देकर, और साथ में आप इसे ज़रूर हलाते जाएं कि हांडी साथ ना लग जाए। आलू पक चुके हैं। जब आलू टूट जाए इसका मतलब है आलू पक चुके हैं। अब मैं 7 कप पानी के ऐड करूंगी, क्योंकि मैं 4 कप चावल के बना रही हूँ। हम सुआ चावल यूज़ करते हैं, इसलिए उस हिसाब से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं पानी को बॉईल होने दूंगी, फिर मैं चावल ऐड करूंगी। पानी को बॉईल आ चुका है। अब मैं चावल ऐड करूंगी और जब पानी सूख जाएगा फिर मैं दम दूंगी। देखें पानी सूख गया है, कोई पानी नहीं है। अब मैं धनिया ऐड कर लूंगी। अब लिड ऊपर देके इसे मैं 15 मिनट के लिए कुक करूंगी लो फ्लेम पर। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब मैं दम को रिमूव कर रही हूँ और देखिए हमारे चावल रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।